नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सीएन इंस्टीट्यूट में। और आज हम सीखने वाले हैं कि हम पासपोर्ट साइज फोटो किस तरीके से फोटोशॉप के अंदर एक ही बार में बना सकते हैं और परफेक्टली सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक फोटो अवेलेबल होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो हमने यहाँ पर एक फोटो रखा हुआ है जिसका हम यूज़ करने वाले पासपोर्ट साइज के लिए यूज करने वाले हैं। तो इस फोटो को पासपोर्ट साइज में कैसे आपको कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप काम कर लीजिए, एक अपना फोटोशॉप ऑन कर लीजिए। फोटोशॉप ऑन होते ही आपको उसमें काम क्या करना है वो भी आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसे आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको करना है कि आप जाइए अपने फाइल में और फाइल में आप आने के बाद इसको कर लीजिए mm में कन्वर्ट, यानी कि मिलीमीटर। मिलीमीटर में आपको यहाँ पर लिखना होगा, विड्थ उसकी आप रखेंगे 25 और हाइट रखेंगे 35 और रिजोल्यूशन आप चाहो तो उसका 200-300 हाइट क्वालिटी रख सकते हैं। देन आफ्टर इस करेंगे ओके। और जिस फोटो को आपको पासवर्ड साइज बनाना है उस फोटो को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं ओपन। तो हम जाते हैं फाइल में और हमने उसको जहाँ पर स्टोर करके रखा है उस लोकेशन पे जाना है, उसे सेलेक्ट करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो में इसको कितना कन्वर्ट करना है उतना आप चाहो तो पहले से यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसे मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ से करते हैं इसे पेस्ट। तो ये आ चुका है। कंट्रोल टी करने के बाद इसके रेजुलेशन के हिसाब से इसे हम सेट करें। तो देखिए ये फोटो यहाँ पर आ चुकी है। अब आने के बाद इसमें थोड़ा क्लियरिटी चाहिए हो तो आप इसमें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कुछ कलर कॉम्बिनेशन करना, क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड तो हमारा ये एकदम परफेक्ट है तो आप इसे इस तरीके से मैनेजमेंट कर लीजिए तो थोड़ा ब्राइटनेस हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको देना होगा बॉर्डर, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कंट्रोल ए करके सिलेक्शन और इसमें आपको मिलता है स्ट्रोक को मैं रखने वाला हूँ इनसाइड, अंदर साइड से दे देते हैं। और बॉर्डर कलर मतलब आउटलाइन कलर उसका ब्लैक और पिक्सल मैंने रखा है इसको 5 पिक्सल। तो देखिए इसमें बॉर्डर आ चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा आजू बाजू थोड़ा सा स्पेस भी चाहेंगे तो इसमें हमें आपको जाना होगा इमेज में और कैनवस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो इसको वापस आप पिक्सल में करेंगे तो पिक्सल में या mm में तो आपको mm दिखाई देगा। तो इसके दोनों ओर 1-1 पॉइंट या 2-2 पॉइंट हम यहाँ से इसे ग्रोथ कर लेंगे, बढ़ा लेंगे और उसके बाद इसे ओके करेंगे तो देखिए चारों तरफ हमारा उतना स्पेस आ जाएगा जितना स्पेस मुझे चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस डिज़ाइन को आपको जाना है एडिट में और एडिट में आपको मिलेगा डिफाइन द पैटर्न, इस पर आप क्लिक कीजिए और फोटो नंबर जो देना है वो दे दीजिए। अगेन देन नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि आप इस फोटो को कितने बड़े पेज में प्रिंट करना चाहते हैं। तो पासपोर्ट साइज फोटो के लिए दो पेज यूज होते हैं, एक तो A4 होता है और दूसरा 4x6 का यूज होता है। तो आप 4x6 के हिसाब से लेना चाहते हैं तो इंचेस में लेना है तो इंचेस में ले लीजिए, या पूरा 12x A4 पेपर में बनाना चाहते हैं तो आप उसकी साइज ले लीजिए 8.5 एंड 11.29। रिजोल्यूशंस आप सेम रखिए जिससे क्या है कि आपकी फोटो का बराबर रिजोल्यूशंस आए। उसके बाद आपको आना है एडिट में, फिल पे आना है शॉर्टकट की Shift+F5। यहाँ से आपको लेना होगा पैटर्न और पैटर्न लेने के बाद आप एंड में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी फोटो, उसको करना है ओके। तो देखिए एकदम परफेक्टली आपकी एक ही बार में मल्टीपल पासपोर्ट साइज फोटो बन जाती है एक A4 पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।